Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay, so dear student, अभी हमने राउंड टेपर बार के डिफॉर्मेशन का पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन आपने पूरा देखा. आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा कि किस टेपर के केस में कैसे हम डिराइव करते हैं. तो सेम पेपर कॉन्सेप्ट अगर डियर स्टूडेंट मैं इस टाइप के बार पे लगाऊं जो कि रेक्टेंगुलर टेपर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक रेक्टेंगुलर बेसिकली टेपर है जहां पे एक एंड पे विड्थ तो कैपिटल बी है, राइट, और दूसरे एंड पे जो विड्थ है वो कम होके स्मॉल बी, राइट. सो कैपिटल बी लार्जर एंड पे और स्मॉल बी स्मॉलर एंड पे, एंड इसकी लेंथ एल है. थिकनेस यूनिफॉर्म सेम है, थिकनेस में कोई टेपर नहीं है, थिकनेस इज टी ओनली, विड्थ में टेपर. अगर इस बार पे अगर हम लोड लगाते हैं और इस पी की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, तो सेम वे आप उसको डिराइव कर सकते हो. फिर से आप डियर स्टूडेंट एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंज्यूम करेंगे जो कि लार्जर एंड से एक्स डिस्टेंस पे, जिसकी बेसिकली हम यहाँ पे थिकनेस क्या मान लिया हमने, लेंथ क्या मान ली, नॉट थिकनेस, लेंथ क्या मान ली, डीएक्स. तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ की विड्थ फाइंड करेंगे. तो फिर से वही लॉजिक है, यहाँ पे विड्थ बी है, यहाँ पे स्मॉल बी है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी फॉर एल लेंथ. तो यूनिट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, बी माइनस बी बाय एल. तो आपके एक्स लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, बी माइनस बी बाय एल, बी माइनस बी बाय एल इंटू एक्स. तो फाइनली यहाँ की विड्थ क्या हो जाएगी, ये टोटल बी में से ये जो डिक्रीमेंट है ये माइनस कर देंगे. So, यहाँ पे फिर से ये कांस्टेंट है जो कि टेबल की प्रॉपर्टी है, इसको k अज्यूम कर लिया इसके लिए. सो फाइनली b माइनस kx इसकी विड्थ यहाँ पे आ गई. तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो pl / a पुट कर रहे हैं. तो एरिया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका एरिया अगर आप अज्यूम करो तो एरिया क्या हो जाएगा, आपके हिसाब से ये एरिया क्या हो जाएगा, दिस, राइट, दिस इंटू दिस, this into this, ये एरिया हो जाएगा, this into this. तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये हमारा जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा क्या डियर स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट इसका एरिया हो जाएगा यहाँ की विड्थ और टी. सो एरिया हो जाएगा बी माइनस के एच विच इज विड्थ इंटू थिकनेस टी. सो फाइनली आप इस एलिमेंटल स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन जैसे कि राउंड बॉल में किया था, इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा, P into L which is dx by area, area हो जाएगा B minus kx into T into AE. ये होगा elemental strip का, इसी को 0 से L तक integrate कर देंगे तो total information आ जाएगा. और इसी को अगर आप as it is जो हमने round bar के case में solve किया था integrate करेंगे तो finally you will get some standard value like PL by ET capital B minus small b natural log B minus b capital B by small b. तो डियर स्टूडेंट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लॉग दो टाइप के होते हैं. जो लॉग होगा ना एक होता है ln, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, राइट, नेचुरल लॉग. कई बार इसको लॉग ई भी लिखते हैं, लॉग बेस ई एक्सपोनेंट. और एक लॉग होता है लॉग बेस 10, राइट. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम इंटीग्रेशन बोलते हैं 1 बाय x dx तो यहां पे ये आता है लॉग x, राइट. तो ये जो log x होता है ये log ex होता है जिसको हम ln बोलते हैं. तो याद रखना आपको कि इंटीग्रेशन है 1 upon x का जो इंटीग्रेशन होता है वो जो log x होता है वो नेचुरल log होता है, मींस log ex होता है ln होता है वो यहाँ पे आया है. एंड यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि जो ln होता है वो 2.303 log बेस 10 होता है. मींस नेचुरल log को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू. कई बार ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दे तो ये नेचुरल लॉग बन जाएगा लॉग बेस 10. तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट. सो ये डिफॉर्मेशन हो गया. तो अब मुझे जैसे लग रहा है कि अभी आप पेपर बार के डिफॉर्मेशन का जो दो केस आपने समझा है इससे आपको पता चल गया होगा एग्जैक्टली हम इस पेपर बार के डिफॉर्मेशन अगर एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है तो कैसे डील करेंगे. बहुत आसान है, कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है. ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउंड बार. बट कभी कभी ये वाला भी केस आ सकता है कि गेट और आईएएस और एई लेवल एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड एएमआई सेक्शन की मैकेनिकल में ये वाले क्वेश्चंस
और राउंड बार के लिए कई बार डिराइव करने के लिए पूछा हुआ है, सो वो बहुत बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सिमिलर मैं आपको एक बेसिकली सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ कि आप इस बार के लिए भी डिफॉर्मेशन फाइंड करना, ये बार क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे विड्थ सेम है, यहाँ पे विड्थ सेम है, विड्थ फॉर एग्जाम्पल सेम है, यहाँ का विड्थ सेम है, बट ये थिकनेस यहाँ का T1 है और यहां का थिकनेस क्या है T2 है। मतलब आप कह सकते हो कि यहां का जो क्रॉस सेक्शन है, जो यहां का क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन V into T1 है और L length के बाद यहां का जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन आपका डियर स्टूडेंट क्या हो जा रहा है V into T2। तो क्लियर है कि यहां पे थिकनेस पर टेपर है, तो इस केस में अगर आपने डिफॉर्मेशन निकालना है तो ये आपके लिए मैं एक तरह से होमवर्क दे देता हूं, आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर से आपको एक राउंड स्ट्रिप, आपको एक एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम करना होगा, राइट। विड्थ तो आपकी सेम रहेगी, बी ही रहेगी, यहां पर थिकनेस में चेंज आएगा, राइट। थिकनेस यहां का कैसे निकालेंगे, तो फिर से चूंकि टेपर यहां पे T1 - T2 पे है डियर स्टूडेंट, तो यहां का क्या हो जाएगा T1 - T2 अपॉन L, राइट, इनटू यहां पे लेट्स से हम कितने डिस्टेंस पे ये मान लेते हैं, लेट्स से x डिस्टेंस पे ये एलिमेंटल स्ट्रिप है, तो इसकी थिकनेस में टेपर है, तो थिकनेस क्या निकलेगी T1 - T1 - T2 बाय L इनटू x, राइट। इसको फिर से हम k मान लेंगे, तो ये आपका थिकनेस हो जाएगा T1 - T2 बाय दिस यू हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड k, सो kx, राइट, ये आपका थिकनेस हो जाएगा। तो यहां का एरिया क्या हो जाएगा B into T1 - kx स्टूडेंट, और एक बार यहां का एरिया आ गया तो डिफॉर्मेशन क्या होगा P L L will be obviously what? ये वाला आपका हो जाएगा, ये क्या है, can you imagine? ये क्या है basically? तो इसको आपने obviously dx माना है, x distance पे, यहाँ से x distance पे आपने elemental strip माना, तो P वही रहेगा, L ये ले रहे, वही रहेगा, area change हो जाएगा dear student, area क्या हो जाएगा? Area हो जाएगा B into T1 - kx, B into T1 - kx into E, इंटीग्रेट वही करना है 0 से L, और जो डेल्टा L आएगा वो आंसर हो जाएगा। सो मैं आपको ये बेसिकली आपके लिए इट्स आई एम जस्ट लीविंग इट फॉर यू गाइस ओनली कि आप इस का डेल्टा L टोटल निकालो और क्या आ रहा है वो शेयर करो हमारे साथ कमेंट, राइट। सो ये भी कई बार AMI सेक्शन भी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पूछा हुआ, अगर कभी कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछता है तो IES लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये भी कई बार आया हुआ, ये और ये दो बेसिकली रेक्टेंगुलर टेपर में डील करता है, इसमें विड्थ में टेपर है, इसमें थिकनेस में टेपर है, और एक राउंड बार है। तो ये तीन जो केस है ना, ये पेपर से रिलेटेड है स्टूडेंट, इन तीनों पेपर को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, फर्स्ट राउंड को कभी नहीं भूलना, वो तो JEE लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका जो डेरिवेशन है वो सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, SSJEE के लिए, AMI, BTEC लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट, IES, इन सब के लिए पेपर बात करने की फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर शेयर करोगे, और आई होप कि ये जो पेपर का जो डिफॉर्मेशन है, पेपर बात करने की फंक्शन, ये आपको क्लैरिटी मिली होगी, और याद रखना ये बेसिकली एक्सटर्नल लोड इंटरेस्ट डिफॉर्मेशन पेपर बात में क्या होगा उसको हमें। So I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा, थैंक्स अ लॉट, यस। तो प्रैक्टिस करो डेरिवेशन को, अगर आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकली फेल नहीं हो तो उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।